बाड़मेर पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभियान के तहत बाड़मेर डीएसटी टीम और महिला थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी और सदर पुलिस टीम ने 5 दिन पहले हाईवे पर खड़े एक ट्रक में से 39.72 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किए थे। उस समय आरोपी भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से डोडा पोस्त की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। बाड़मेर पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। अभियान के तहत बाड़मेर डीएसटी टीम और महिला थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी और सदर पुलिस टीम ने 5 दिन पहले हाईवे पर खड़े एक ट्रक में से 39.72 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किए थे। उस समय आरोपी भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से डोडा पोस्त की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार 23 जून को डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल प्रेमाराम को सूचना मिली थी कि अवैध डोडा पोस्त से भरा ट्रक नेशनल हाईवे स्थित मनवार होटल के पास खड़ा है। इस पर एएसपी जस्साराम बोस और डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह मैट टीम और सदर थाना अधिकारी सत्यप्रकाश मैट टीम NH-68 पर कोजा फांटे से आगे मनवार होटल पहुंचे। होटल के साइड में एक ट्रक त्रिपाल से ढका हुआ खड़ा मिला। पुलिस टीम ने त्रिपाल हटाकर जाँच की तो ट्रक में सफ़ेद रंग के 184 कट्टों में 39 क्विंटल 72 किलो 820 ग्राम डोडा पोस्त मिले। पुलिस ने आरोपियों को तलाश शुरू की, लेकिन उस समय नहीं मिले। ट्रक में मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जिसकी जांच महिला थाना अधिकारी सोमकरण द्वारा की गई। डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए डीएसटी और महिला थाने की अलग अलग टीमें बनाई गई। मुखबिर और तकनीकी मदद से आरोपी धन्य का तला से श्रीराम उर्फ शिवा पुत्र मानाराम निवासी धनिकातला शिवकर व ट्रक ड्राइवर सुनील उर्फ चूनाराम पुत्र रिडमलराम निवासी गालाबेरी शिवकर को दस्तयाब किया है। पूछताछ में दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से डोडा पोस्त की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी को पकड़ने में हेड कांस्टेबल प्रेमाराम और मेहराराम की विशेष भूमिका रही।